यार भैया ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। बिस्तर में जीएनएम पड़े जो जीएनएम की है तेरी, कौन सी जीएनएम कर रहा है ना उसकी। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी के बज चुके हैं 8 और मैं उठ चुका हूँ। सुबह जल्दी उठा था 4 बजे और एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर दी और उसके बाद वापस हो गया। अभी उठ गया हूँ तो वो नाश्ता बना रहा है, चलते हैं उसके पास। तो गाइस ये बना रहा है नाश्ता सुबह सुबह और रोटी तो बन रही है, खाने के लिए कुछ बनाएंगे। तो रोटी बन गई, तो गाइस नाश्ता भी आ चुका है, तो करते हैं नाश्ता रोटी और चाय के साथ। चाय आने वाली है और रोटी खाते हैं। तो मस्त सा नाश्ता करते हैं और ये भी कर रहा है और मैं भी करता हूँ नाश्ता आराम से, फिर मिलते हैं। नाश्ता करके हो गया और बहुत ही टेस्टी था और अब जाते हैं चाय पीने। बिस्तर विस्तर सही करते हैं क्योंकि पड़े हैं सब ऐसे, तो इसको ठीक करते हैं और उसके बाद चलते हैं चाय पीने। तो गाइस आज बहुत ही अच्छी धूप निकल चुकी है और शानदार, तो चलते हैं चाय पीने अभी। तो गाइस अभी भैया की दुकान पे आ चुके हैं और ये मेरे लगते हैं क्लोज फ्रेंड, ये मेरा क्लोज फ्रेंड हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी शॉप पे आए हुए और ये इंस्टाग्रामर है। चलो कॉल कर लेते हैं। गाइस इसको पता नहीं क्या हो गया है। गाइस अभी का सीन ये है कि हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने और इसने मेरे से चैलेंज लिया है कि मेरे को 6 बॉल पे 6 छक्के मारेगा। हैं? तो गाइस आ रहा हूँ टी शर्ट लेने, भाई की टी शर्ट ऊपर, तो फटाफट से लेते हैं उसके बाद निकलते। क्या पीलो कलर यो? तो गाइस निकलते हैं, टी शर्ट पहनते हैं उसके बाद जाते हैं क्रिकेट खेलने। गाइस सब बैठे हैं, बस कुछ नहीं, सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है क्योंकि बाहर तो जा ही नहीं सकते, सुबह से अंदर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे नहीं है क्योंकि पढ़ाई वगैरह स्टडी कर रही है थोड़ी बहुत, बाकी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो अंदर ही बैठे हैं और कुछ काम है ही नहीं। और ये भी बस सो रहे हैं और क्या करेंगे, ये देख सकते हैं इसके अंदर। और ये यार भैया ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं जीएनएम, जो जीएनएम की है तेरी, कौन सी जीएनएम कर रहा है ना उसकी, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड, आज कॉलेज गए ना क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है तो ऑनलाइन क्लास हो रही है क्योंकि कॉलेज तो कभी जा पा रहे हैं और मैं तो रेगुलर जाता हूँ, इनकी क्लास नहीं लगती है तो ये ले रहा है क्लास। और शायद इसकी अभी टाइम है ना, तेरी टाइम है ना, इसकी टाइम है अभी क्योंकि तब तक ये सो रहा है, इसकी टाइम है, इसकी होने के बाद में इसकी होगी और मैं तो वैसे भी कॉलेज जाता हूँ डेली, ऑनलाइन क्लास हो रही है ना। अरे वो YouTube वीडियो देख रहा है क्लास वाले, तो वही तो बोल रहा हूँ ना क्लास वाले। इसका एक स्कैम हो चुका है क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगने वाली थी और इसका नेट खत्म हो गया क्योंकि पता नहीं किसने क्या देखा और इसका नेट खत्म हो चुका है। और ये अब मेरा फोन यूज करेगा, ये मेरा फोन यूज करेगा क्योंकि इसका नेट खत्म हो चुका है। अभी सोच रहे हैं आलू पराठा बनाने की क्योंकि इनको आते हैं तो लाते हैं आलू और बाकी जो भी काम है इसको बनाना आता है, बाकी सामान वगैरह लाते हैं। और गाइस क्या होने वाला है, वो तो चला गया बाहर, उसको बोलते हैं हम पैसे लेते हैं और जाते हैं मार्केट, वहीं से लाते हैं जो पास में दुकान पड़ी है उनके पास मिल जाएंगे। तो ये बनाएगा रेडी बनाने के लिए, चल ठीक है आलू लेके आ जाना। आलू मिर्ची बस, हरी मिर्च, हरी मिर्च चाहिए ही नहीं, आलू चाहिए ओनली फॉर आलू, आलू और प्याज, कौन सा हरे प्याज, हरा प्याज मत ले, तो वो सूखा वाला प्याज आता है वो, तो सूखे वाले प्याज लाएंगे, अंदर पड़े नहीं है नहीं कचरा, पहले आलू बनानी पड़ेगी सब्जी, आलू को उबालने पड़ेगा, आलू को उबाल के फिर उसे कूटना पड़ेगा, छिलके उतार के
फिर उसकी बनेगी सब्जी, सब्जी के बाद बनेगी रोटी, आटा गूंदने का, आटे गूंदने के बाद बनेगी उसकी रोटी। तो चलो आज बनाते हैं आलू पराठा। हम सारा ला चुके हैं और ये बना रहा है आलू में सब पता नहीं छील रहा है और मैं काटूंगा प्याज और उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद में खाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी रोटी बन रही है और उसके साथ साथ परोठा बनाएंगे फिर खाएंगे। तो ये हमारे मेहनत कर रहे हैं और मैं इसके सेक रहा हूँ। गाइस हमारी रोटी और सब्जी आ चुकी है तो खाते हैं रोटी और वो सब्जी इसने स्पेशल बनाई है तो खाते हैं। गाइस हमने पराठा तो बना लिए बट कम से कम 3 से 4 घंटे लगाए यार, क्या ही बता सकते हैं कितनी मुश्किल हुई हमको इस बनाने में, बट आखिरकार बना तो लिए और खा भी लिए। स्टार्टिंग में 2 बनाए उसके बाद तो आराम से बना लिए। और चल अभी किचन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है तो इसको फटाफट साफ करते हैं और उसके बाद जब सोएंगे तब मिलते हैं। तो गाइस खाना खा के हो गया है और खाना कैसा था बताओ, परोठा कैसे बने? पाउंड बताओ कैसे हो चुके हैं। तो गाइस कैसा लगा खाना? एकदम ठीक था। आखिर बनाने वाला क्या खाना कैसा था? अच्छा था ना, सुबह सुबह परोठा बनाए और शाम को वही खाएंगे, शाम को बनाए सुबह वही खाएंगे। और चलो अभी स्टडी करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट सुजाब, गुड नाइट। गाइस अब रात के बज चुके हैं 11 और सुबह उठ के एडिटिंग करूंगा जल्दी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस इसको पता नहीं क्या हो गया है। Oh, wow.